आप सभी व्यूअर्स का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। हम इस वीडियो में बात करेंगे शाला दर्पण पर परिणाम संबंधी बड़ी खबर के बारे में। कक्षा 1 से 4 के जो शिक्षक हैं वो जो जल्दबाजी दिखा रहे हैं उन्हें वो दिखाने की जरूरत नहीं, उन्हें धैर्य रखने की ज़रूरत है। साथ ही जो जल्दबाजी में जो बड़ी गलती हो सकती है और उस गलती के वजह से हमें CBO ऑफिस के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, वो क्या क्या गलतियाँ हैं वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश शाला दर्पण के माध्यम से हमें अवेलेबल करवाए गए हैं उनकी भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हम वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, पास में आने वाले बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली हर नई अपडेट भी आप तक पहुंचती रहे और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक हम समय पर पहुंचाते रहे। ये करते हैं वीडियो शुरू और चलते हैं शाला दर्पण पर और देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें परीक्षा परिणाम के रूप में ध्यान रखनी है। आप जैसे ही पोर्टल पर आएंगे, स्कूल लॉगिन करेंगे, ID पासवर्ड डालेंगे तो आपको इस तरह से आपका होम पेज दिखाई देगा। इसमें आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिलेगा स्माइल 3.0, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारे ऑप्शन इस प्रकार से आपके सामने होंगे, जिसमें स्माइल शिक्षक मैपिंग, स्माइल असेसमेंट जिसमें हमने सारे नंबर चढ़ाए हैं कक्षा के सभी बच्चों के और सारी कक्षाओं के नंबर यहाँ पर आपको देख पाएंगे। साथ ही अगर कुछ बच्चे जो नए जुड़े हैं या कुछ बच्चे के नाम शो नहीं हो रहे हैं, किसी के 2 बार नाम शो रहे हैं, तो आप यहां से जाके डाटा रीसेट करके या कोई भी नंबर में परिवर्तन करना है तो यहां से डाटा जो है रीसेट करने के बाद ही वो ग्रीन शीट में सही से शो होगा। उसके बाद आप देखेंगे जनरेट एंड प्रिंट मार्कशीट का ऑप्शन यहां दिखाई दे रहा है, हमें इस पर क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से ऑप्शन खुलेगा और आप ऊपर देखेंगे एक मैसेज शो हो रहा है स्माइल 3.0 मार्कशीट जनरेशन 21-22 के कुछ नियम। आप इसे डाउनलोड करेंगे तो इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां वो भी हम इस वीडियो में आगे आपको बताएंगे। वीडियो के साथ बने रहें। हम बात कर लेते हैं सेलेक्ट द ऑपरेटर, ये जो है विद्यार्थियों का जो परीक्षा परिणाम है उसको आप जैसे ही आपकी सेक्शन तो ऑटोमेटिक है क्लास और सेक्शन डालेंगे शो स्टूडेंट करेंगे तो इस तरह से आपके सामने पूरे बच्चों के नाम शो होने लग जाएंगे। आप पीछे देखेंगे इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जनरेट रिजल्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने उस बच्चे का रिजल्ट इस तरह से ड्राफ्ट में शो हो जाएगा और रिजल्ट के पीछे ड्राफ्ट जिस जगह आप जनरेट रिजल्ट देखेंगे तो यहाँ पर आपको ड्राफ्ट का ऑप्शन प्रिंट में ड्राफ्ट लिखा हुआ शो हो जाएगा और स्टेटस NA की जगह नॉट वेरीफाइड आ जाएगा। अब हमें आगे आप देखेंगे कि इस तरह से हमारे पास ड्राफ्ट रिजल्ट तैयार है। अब आपने ये सारी प्रक्रिया कर ली है, अब आप नॉट वेरीफाइड है। अब इसमें आप देखेंगे जो महत्वपूर्ण निर्देश शाला दर्पण की ओर से हमें प्रदान किए गए हैं, आप देखेंगे कि यदि प्रदर्शित विषयवार अंक व गणना सही है तो वेरीफाई। अब आप देखेंगे कि वेरीफाई का बटन अभी हमें उपलब्ध नहीं करवाया गया है, ये चीज़ सारी शाला दर्पण से ली हुई है। जो हमने आपको दिखाया था महत्वपूर्ण निर्देश जो ऊपर शो हो रहा है उससे इसमें लिखा हुआ है कि जो अभी प्रदर्शित नहीं हुआ हो तो वेरीफाई का बटन अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। बटन जैसे ही शुरू होगा तो इस पर हमें क्लिक करके इसको सब अंकों को वेरीफाई करना है और इसमें अगर कोई बदलाव है तो ये स्माइल असेसमेंट 21-22 जो हमने आपको शुरू में बताया था स्माइल 3.0 है तो वहाँ से ही बदलाव होगा और जो अंक बदलाव होगा उसे हम जनरेट रिजल्ट दबाएंगे, अन्यथा ऐसा नहीं करने पर पूर्व के ही अंक शो होंगे, वहाँ से जाकर हमें डाटा रीसेट करना होगा। आगे देखें कि इसमें महत्वपूर्ण क्या चीज़ है, एक और कि ध्यान रहे कि एक बार अगर आपने वेरीफाई कर दिया है तो आप संबंधित विषयों के अंकों में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। आप द्वारा सत्यापित करने और अंक तालिका प्रिंट इसमें वाटरमार्क आएगा, शाला दर्पण प्रदर्शित होगी और ये ड्राफ्ट वाटरमार्क के साथ प्रदर्शित अंक तालिका केवल गणना के लिए होगी। जैसे कि हमने बताया था कि ड्राफ्ट में आपको दिखाई देगा पीछे उसके ड्राफ्ट दिखाई देगा, हम आपको आगे भी दिखा देंगे। और साथ ही आप देखेंगे कि किसी कारण से सत्यापन वेरीफाई के बाद अगर आपने हड़बड़ी में जल्दी अगर कोई ऑप्शन दबा दिया और वेरीफाई कर दिया तो अगर कोई आप बदलाव चाहते हैं तो फिर वो CBO ऑफिस के माध्यम से अनलॉक होकर ही बदलाव हो पाएंगे, तो आप तसल्ली से इस चीज़ को करें, रिजल्ट से संबंधित कार्य धैर्यपूर्वक करें और तसल्ली के बाद पूरा कन्फर्म होने के बाद ही वेरीफाई करें। साथ ही आप देखेंगे शो ग्रीन शीट का विकल्प है जो कक्षावार और विषयवार विद्यार्थीवार रिकॉर्ड विद्यालय हेतु सॉफ्ट कॉपी में PDF फॉर्मेट व प्रिंट कॉपी के रूप में सहेजा जा सकता है अथवा ईमेल द्वारा PO नोडल को भेजा जा सकता है। कक्षावार छात्र वरीयता जनरेट होने तथा तत्पश्चात अंकों में परिवर्तन के लिए वरीयता में भिन्नता आती है तो अंतिम दिनांक को जनरेट की गई वरीयता ही मान्य होगी और अंतिम दिनांक आप सभी को पता है 16/5 हमारी रिजल्ट घोषणा की अंतिम तिथि है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, महत्वपूर्ण जानकारियाँ
आपके काम आएगी। आप देख पा रहे होंगे इस तरह से आपके सारे बच्चे की डिटेल यहाँ पर शो होगी, और अभी यहाँ पर नोट वेरीफाइड लिखा हुआ है, यहाँ वेरीफाई का ऑप्शन ऑन करेंगे, उसको हमें यहाँ से वेरीफाई करना है, तभी हमारा रिजल्ट सही से जनरेट होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और भी साथियों तक पहुँचाएँ, ताकि जल्दबाजी में कोई गलती ना करे। धन्यवाद।